हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 12 नंबर युगल कुसोलजी के लिए ड्रेस तैयार कर रहे हैं। हमने कृष्णा के लिए चोली और उनकी पजामी और साथ में कैप और पटका तैयार किया है, और राधा जी के लिए हम चोली और लहंगा, उनके चुन्नी और साथ में कैप तैयार की है। चलिए आइएगा, ड्रेस तैयार करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो उसको शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। अपना आशीर्वाद और अपना प्यार मेरे साथ बना के रखिएगा। अब हम सबसे पहले कृष्णा के लिए चोली तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 32 चेन ली है, क्रीम कलर की है, ऊन है। अब थर्ड चेन छोड़ के फोर्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया, ऐसे हम 5 चेन के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फाइव चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 चेन लेंगे। इसी 5 डबल क्रोशिया के बीच में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन लेके इसी होल में डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेके इसी होल में फिर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद फिर 2 चेन लेनी है, इसी होल में डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 3, 4, 5, 3 चेन बैक करना है, और फर्स्ट चेन छोड़कर सेकंड चेन में डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया, क्योंकि एक होल के अंदर डाला है तो 6 डबल क्रोशिया, और इसी होल के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया 2 चेन बनाकर। अब
इस आगे की चेन के अंदर फिर डबल क्रोशिया। ऐसी है हमारे पास नीचे 8 डबल क्रोशिया है, 8 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे क्योंकि एक इस होल में बढ़ेगा डबल क्रोशिया और एक इस होल में बढ़ेगा, तो अब हमारे पास 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और ये 10 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है, फिर इसी होल के अंदर डबल क्रोशिया, अब हमारे पास यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया है, नीचे 10 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये नीचे 10 डबल क्रोशिया, 10 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी होल के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया। ऐसे यहाँ नीचे 8 डबल क्रोशिया, 8 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 चेन होल के अंदर डबल क्रोशिया, अगली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, अगली चेन में भी 1 बार डबल क्रोशिया, 1 बार डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। थ्री चेन लेंगे, वन बार डबल क्रोशिया, वन बार डबल क्रोशिया, वन बार डबल क्रोशिया, वन बार डबल क्रोशिया। नीचे हमारे पास 5 डबल क्रोशिया, फिर हमारे पास 6 डबल क्रोशिया और अब हमारे पास 7 डबल क्रोशिया। 2 चेन लेंगे, इसी होल के अंदर फिर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। ऐसे हमारे पास 8 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 10 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया। ऐसे दो दो कुंडे और एक तीन रो चलाने हैं हमने। ये 3 रो हमने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 कुंडे लिए थे हमने, 5 से आगे 6 बने हैं, 6 से 7 बने हैं और अब यहाँ पे 8। इसके होल के बीच में निकालना ये है 8 कुंडा। अभी हमारे पास टोटल 8 हो गए। अब क्या करना है आपने, इस होल से लेके इस होल में ऐसे डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक बाजू तैयार हो गई है, फिर आगे ऐसे डबल क्रोशिया।
सभी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे अगले होल आने तक। इस होल में एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब इस होल से लेके इस होल में ऐसी डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, ऐसी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। अभी हमारी ऐसे ऊपर का पैटर्न तैयार हो गया, यानी ये तो हमारा गला तैयार हो गया और ये दोनों बाजू और ये छाते। अब यहाँ पे धागा अटैच कर लिया और इसको सिंगल क्रोशिया करके हम यहाँ पे आगे और पैटर्न तैयार करना है। 1 2 3 3 चेन लेनी है। इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया, 2 चेन लेनी है। इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया, यानी ये 4th डबल क्रोशिया। और अब इसको एक चेन को छोड़कर दूसरी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। बन गया। और फिर चेन लेनी है यहाँ पे मिड आउट चेन, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में फिर डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन लेनी है और इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया लेना है, यानी 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए। 3 बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाया और 4 यहाँ पे 2 चेन लेके और आगे फिर एक चेन छोड़कर 3rd में 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़कर इसमें 2 बार डबल क्रोशिया। टू चेन करनी है और फिर डबल क्रोशिया। फिर एक चेन छोड़कर यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया, यहाँ 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़कर यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़कर यहाँ पे 3 बार 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया। ऐसे इसको पैटर्न को यहाँ तक तैयार कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको धागे को ज्वाइंट करके
इसी होल के ऊपर फोर के ऊपर फोर डबल क्रोशिया बनाएं, और ये नीचे थर्ड डबल क्रोशिया है, थर्ड के ऊपर फोर्थ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके अंदर ही होल के अंदर टू टाइम डबल क्रोशिया, टू चेन, और इसी होल में टू टाइम डबल क्रोशिया और बनाने हैं। फिर टू डबल क्रोशिया छोड़कर इस चेन में वन बार डबल क्रोशिया, वन बार डबल क्रोशिया, वन बार डबल क्रोशिया और वन बार डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर फोर्थ डबल क्रोशिया, और इसी होल में फिर डबल क्रोशिया, दो बार और डबल क्रोशिया, ऐसी है फोर्थ के ऊपर फोर्थ, ऐसे चलते रहेंगे। और ये थर्ड के ऊपर फोर, फोर के ऊपर फाइव, फाइव के ऊपर सिक्स, ऐसे एक एक कुंडा बढ़ता चला जाएगा इसमें। अब ये हमारी चोली तैयार है। इसकी टोटल लंबाई 4.5 इंच है और बाजू की लंबाई 4 इंच है। और ठाकुर जी की बाजू टेढ़ी होने के कारण उनको प्रॉपर आ नहीं पाती, इसलिए ये कट डाल दिया, क्योंकि उनको आसानी से आ जाएगी। यहाँ पे हुक लगा सकते हैं या डोरी डाल सकते हैं। दूसरी बाजू बंद है। हम ठाकुर जी के लिए पजामे तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये 18 चेन लेनी है, और तकरीबन 3 इंच इसके नीचे का पोंचा है, तो इसके लिए 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। और ये फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बनाना है, सभी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। ये सभी चेन में डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाना है। ये पजामे के दो पार्ट्स बन गए, एक एक टांग ये बन गई और एक टांग ये बन गई, टू पार्ट्स। और ये हमने कट डाल दिया यहाँ पे खिसकत के लिए। ये कट कितने इंच का है मैं बता देती हूँ आपको, ये 2.5 इंच का कट है ये कट, यानी कि ऊपर आएगा ये। और इसके उल्टी साइड नीचे करनी है साइड, और इसकी उल्टी साइड ऊपर करनी है। अब इसको ये कट को हमने, या तो सुई धागे के साथ आप सिल दो, और मैं इसके क्रोशिया के साथ ही इसको अटैच कर रही हूँ। इसको मैं अटैच करके दिखाती हूँ आपको।
ऐसे हम सारी अटैच कर लेंगे और ये पजामी तैयार हो जाएगी। और मैं आपको इसको अटैच करके खोल के दिखाती हूँ कैसे तैयार होगी पजामी। अगर आपको कोई डाउट हो, मैंने ये थोड़ा शॉर्ट में वीडियो डाली है, अगर आप सोच आपको नहीं समझ आई आपको तो लॉन्ग में डाल दूँगी इसको वीडियो को, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। मैम इसको दोबारा रिपीट करो, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँगी पजामे को डिटेल में। इन धागे को भी ऐसे छिपो दो और कट कर दो। अब ये पजामी तैयार होगी। अब इसको कैसे डालेंगे हम ठाकुर जी को? ठाकुर जी की टांग ऐसे मुड़ी भी होती है ऊपर नीचे, तो इसको डालने के लिए ऐसे इसको ऐसे खोल लेंगे और ऐसे ऐसे ये ऊपर की खिसकत होगी, ऊपर नेप हो गया और ये उनकी खिसकत होगी और ये पजामी के पोंचे हो गए। और इसको अब हम कैसे करेंगे, इसमें ना हुक लगाओ या टिच बटन लगा के इसको ऐसे इसके टांगों में घुमा के ऐसे इसको डाल देंगे।